नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नवादा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे DRM प्रभात कुमार। नमस्कार, खबर नवादा से। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के DRM प्रभात कुमार नवादा पहुंचे। उससे पहले उन्होंने क्यूल गया खंड का जायजा लेने के लिए दानापुर से चले क्यूल होते हुए शेखपुरा वारिसलीगंज नवादा पहुंचे। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने निरीक्षण के दौरान क्या कहा। नवादा से रामजी प्रसाद के साथ कुमार विश्वास की रिपोर्ट। सर हेलो सर, खत्म हुआ क्या? सुन लो, मजाक कर रहे हैं, चलो हटो। ढक्कन बंद रखते हो, कूल किया सर। आज बता दिया जाए आज का निरीक्षण के बारे में। लोग नवादा देखने आए थे, सबसे नए सिस्टम का GM सिस्टम काम किया हुआ है। यहाँ की तैयारी सफाई वफाई देखी हमने, संतुष्ट कर नहीं है, इसको और ठीक करने की कोशिश करते हैं। कॉलोनी भी हमने क्वार्टर से देखे हैं, कुछ कॉलोनी मिलने से कॉलोनी की वो खराब है, देखते हैं कुछ कैसे कर सकते हैं। जो कुछ क्वार्टर बने हुए राइट साइड में, वहाँ पे पुराने क्वार्टर्स है, उसका ड्रेन का इशू। और सर कोई मैसेज पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए कि स्टेशन आपकी फरमाइश है, आपका स्टेशन है, साफ सुथरा रखने में मदद करें रेलवे को, गंदगी नहीं फैलाएं एरिया में। रेलवे ओवर ब्रिज के लिए बहुत परेशानी है, काम तो चल रहा है, समय ले, काम चल रहा है। नहीं नहीं, ये ऑफर में पास हो चुका, टेंडर भी सुना क्यों वही करा, वही करा जी। काम तो हमने कहा कि सैंक्शन है, प्रोसेस में है, टेंडर हुआ, काम शुरू हुआ सर। ये बने टेंडर हुए भी एक साल से ऊपर हो गया सर, BSRDCL कर रहे सर, हमने बट काम हम लोग की तरफ से सारा NOC। हम बात करते हैं क्योंकि जो प्लान है सभी अप्रूव है ऑलरेडी, जी सैंक्शन है जी। काम जिसको एजेंसी को काम करना है वो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, बात करते हैं हाँ। सर ऐसा और भी कुछ क्वेश्चन है सर? सर ऐसा होता है कि जब आप आते हैं तो हम लोग को प्रॉपरली प्रेस रिलीज आती है और हम लोग को बाकी इनविटेशन आता है जो कि एक रिकॉर्ड भी होता है। तो आज हम लोग को यहाँ बुलाया गया था आपके निरीक्षण इंस्पेक्शन को कवर करने के लिए। तो ऐसा सर कि हम लोग तो आएंगे ही, चूँकि मीडिया पर्सन आएंगे ही, तो क्या लगता है सर जो आप जो आ रहे हैं वो पब्लिक में मैसेज जाना चाहिए या हमारा अखबार का या चैनल्स का पार्ट होना चाहिए? नहीं, कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ होती है तो उसमें तो प्रेस कंसर्न करते ही नहीं आना चाहिए। तो सर अगर हम लोग उस कवर करने के लिए आते हैं तो फिर हम लोग के साथ मतलब फालतू जैसा क्यों व्यवहार किया जाता है? जरूरत नहीं है, तो रोल प्ले करना है सर। हुआ है आज हम लोग के साथ हुआ है और वो कैमरा रिकॉर्डेड भी है, इसमें क्या है कि आप लोगों का भी एक रोल है सर। बिल्कुल है सर, प्ले करते जी जी, और सबको सहयोग करके ठीक करने की कोशिश करते। तो क्या सर उसको सही माना जाए जो हम लोग के साथ जो बर्ताव किया गया है? क्योंकि मैंने सर आपके काम में कहीं कहीं पे हम लोग ने अड़चन नहीं डाला है, तो सर फिर हम लोग साथ वो व्यवहार क्यों किया गया? व्यवहार कभी भी जो अमर्यादित है वो स्वीकार नहीं है। क्या वैसे अमर्यादित है सर, कैमरा में रिकॉर्ड भी है वो स्वीकार नहीं है। कुछ कार्रवाई उस पर करेंगे सर? हम कौंसिल करेंगे सर, व्यवहार नहीं किया जाए जी, आप भी हिस्सा है समाज के जी, बिल्कुल, और व्यवस्था को ठीक रखने में आप भी हो, तो हम सबको मिलकर ठीक रखते हैं, ऐसे भी व्यवहार है। आई एम सॉरी फॉर दैट। क्योंकि सर 4 तारीख को GM भी आ रहे हैं, क्योंकि सर आपके आने के बहुत पहले ही व्यवस्थाओं को शुद्ध किया ठीक किया जाता है। जैसे आपको वहाँ पे बताया गया कि जो डिसेबल्ड पर्सन का जो टॉयलेट है वो बिल्कुल सही कंडीशन में, बट अभी मेरे पास रिकॉर्ड है कि उसमें वो सही कंडीशन में नहीं है, आप देख सकते हैं सर। सिस्टर्न है और बेसिन है सब गायब हो जाएंगे। बिल्कुल सर, इन लोग सब जानते हैं सर। जागरूक कैसे करेंगे सर? हम लोग के साथ अभद्र व्यवहार होगा तो जागरूक कर पाएंगे सर? हम लोग अगली बार से आएंगे ही नहीं, कई बार उसके लिए नहीं कह सकते। आज 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 जो हम लोग के साथ सुलूक किया गया सर वो बहुत मतलब अमर्यादित था और बहुत खराब हम लोग को भी लगा। क्योंकि सर आगे
मतलब इस तरह से जैसे कि भागो भागो इस लोग को हटाओ यहाँ से। तो सर शुरुआत पहले आपकी तरफ से भी होना चाहिए ना सर, हम तो उस दलदल को हम लोग दिखाते हैं। सुधार की शुरुआत करनी होती है तो समाज में वो समस्याएं गिननी पड़ती हैं, इससे हम लोग सर मैं यहाँ 7 ईयर से कवर कर रहा हूँ और आपके जीएम साहब भी 2 बार आ चुके हैं, कभी पोस्ट और प्री इंस्पेक्शन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है हम लोग के साथ आज तक की हिस्ट्री है सर। इवन रेल राज्य मंत्री भी आए तो ऐसा बर्ताव नहीं हुआ हम लोग के साथ। ठीक है,